गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए कक्षा 10 में चल रही थी आपके एक्सरसाइज 8A 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 तक हो गए थे। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आप होमवर्क भाई किया करें, ठीक है? और करोगे नहीं तो फिर कोई रिस्पांस थोड़ी ना मिलेगा, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, तो कहोगे मैथ आती नहीं है फिर, समझे? तो होमवर्क करो तो मैथ अपने आप खुद आएगी, जब करोगे नहीं तो क्या आएगी भाई। तो देखिए कास से दिया है, साइन भी दिया है, यहाँ पे मान है, ठीक है? और इसका मान निकालना है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। देखिए कास ए कास से साइन बी, साइन बी का तो ये तो मान है, यहाँ तो रख लेंगे हम, लेकिन साइन ए नहीं है। हम कास ए से साइन ए निकालेंगे, साइन बी से कास बी निकालेंगे। देखिए इसको निकालने का फार्मूला भी होता है, कास जब दिए कास ए है तो साइन ए निकल आएगा हमारा, तो फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन वो बात की बात है, वो सर्वसमकाल का यूज हम बाद में करेंगे। हम पहले वो सर्वसमकाल निकालते कैसे हैं, समझा गया? उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगा जब ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ इतना ही काम है कि इनसे पाइथागोरस थ्योरम से हमको बस इनके मान निकाल लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे? बाकी सबसे पहले तो हम सर समीका आती कहाँ से है पहले ये हम देखेंगे, लेकिन ये बात की बात है भाई, इसको एटे जब समाप्त हो जाएगी आपकी। देखिए कास है हमारा 1/√2, तो हम एक फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक फिगर बना लीजिए जिसमें थीटा हमने किसको मानेंगे, हम ए को, बाकी कहीं भी लिख दीजिए, ये 90 डिग्री होगा या कर्ण हो गया। अब कास थीटा बराबर होता क्या है भाई बताओ? आधार बटा कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है ना। आधार दिया है, कर्ण दिया है, थीटा इसको माने हैं तो ये लंब होगा, आधार क्या होगा हमारा, ये कर्ण है हमारा √2। अगर हम ये निकाल लें, क्योंकि साइन ए निकालेंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब हम निकाल लें तो साइन ए का मान निकल आएगा भाई, अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारा √2 है प्लस AB है 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ आ रहा है? देखिए मान सही रखना भाई, √2 ये हो गया और 1 ये हो गया हमारा, ये क्योंकि आधार है ना, तो ये हो गया √2 का वर 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर 1 बचेगा, उधर वर्गमूल लग जाएगा BC, यानी BC हो जाएगा हमारा 1, ये भी कितना आ गया 1। अब यहाँ से साइन का मान निकाल सकते हैं, यानी साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 1/√2। सुना गया? ऐसे हम साइन बी निकालेंगे, बी को थीटा मानना है तो दूसरा फिगर बना लीजिए भाई। थीटा किसको मानना है हमको? बी को। समझा गया? ये 90 डिग्री हो, ये तो हमारा कर्ण हो गया। साइन थीटा लंब, लंब दिया है, लंब हमारा कितना है √2, लंब बटा कर्ण दिया है 2। समझा गया? आधार निकाले, क्योंकि साइन से हम क्या निकालेंगे, कास भी निकालेंगे ना, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ यही फार्मूला लगाइए, थ्योरम लगाइए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, नहीं AB स्क्वायर है, कर्ण हमारा क्या है AB स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है हमारा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB हो गया 2 का वर्ग हो जाएगा, BC हमको निकालना है प्लस AC हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस बराबर BC स्क्वायर 1 बचेगा, और मूल लगा दो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो गया 1। अब साइन भी निकाल लीजिए यहाँ से, तो साइन भी कास भी निकले निकालना है हमको, क्या निकालना है कास भी, तो कास भी क्या होगा हमारा आधार बटा कर्ण, आधार क्या है हमारा 1, कर्ण कितना है हमारा 2। समझ में आ गया? निकल आ गया, यानी साइन ए आ गया, कास भी आ गया, कास से पहले दिया है, साइन भी पहले दिया है, बस मान रख दो। साइन ए 1/√2 इंटू कास बी 1/2 प्लस कास ए 1/√2 इंटू साइन बी √3/2। समझ में आ रहा है? गुणा कर दीजिए ऊपर 1/√2 हो जाएगा प्लस √3/2√2। समझ में आ रहा है? अब देखिए LCM लेंगे, हर तो बराबर हैं भाई, तो ऊपर अंश को इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये सजाती है कि बिजाती है? ये बिजाती है ना, कर्णी आती है ना, कक्षा 9 में पढ़े हो, कायदे से पढ़ा चुके हैं, बहुत
इसको इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, 1 + √3/2√2। बस यही आंसर आ गया हमारा, समझ आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए बाय चांस मान नहीं दिया है, तो मान निकाल लेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसके आगे का 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बताते हैं, ये तो सभी के समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी बुक में देखिए क्या दिया है। अगर ये मेरे साथ में लगाते चलिए, जितना पढ़ाया जाए आपके ग्रुप में तो शेयर ही हो जाता है, कितना आपको पढ़ा दिया जा चुका है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सुना गया, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि समस्या है भाई, आपकी पढ़ाई में बाधा हो गई है, समझे, वो समस्या है। ठीक है, उस महामारी से पूरा विश्व संक्रमित हो गया, भाई उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज जो आपकी चला रहा विद्यालय की ओर से जो चल रही है, तो कम से कम उसमें तो आप पढ़िए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, टेन थीटा दिया है हमारा ए बटा बी। ठीक, तो सिद्ध करना है बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। यानी ये एलएचएस दिया है, ये हमारा आरएचएस दिया है, तो अगर हम एलएचएस से सिद्ध करके 1 ला दें तो हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। कर लोगे, देखिए टेन का मान दिया है, टेन थीटा है ए बाय बी यानी ए बटा बी, तो अगर हम सेक और कोसेक को कैसे भी टेन में चेंज कर लें, चेंज कर सकते हो भाई, जिसका मान दिया उसी में भाई चेंज करो। देखो तो सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कास का। यहाँ से हम लिखेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे, अगर एलएचएस और आरएचएस वाला सिद्ध करना है, तो अगर हम एलएचएस से सिद्ध करें तो एलएचएस लिखेंगे, आरएचएस से सिद्ध करें तो आरएचएस लिखेंगे। एलएचएस लिखने के बाद वही पार्ट उतारिए, यानी बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, अपान ए कोसेक जो होता है उस साइन का होता है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसकी देखो ये गुणा कर सकते हो कि नहीं, ये हो गया हमारा बी बटा ए, तो अलग कर लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 / cos θ, और ये पलट जाएगी संख्या की, बड़ी लाइन हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा sin θ/1, इतना हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी अपान ए इंटू sin θ/cos θ। अब sin θ/cos θ क्या बताया था, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बताया था। तो बी अपान ए इंटू कितना हो गया हमारा, टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान कितना दिया है, ए बटा बी, तो यहाँ पे हम रख देंगे बी बाई ए इंटू ए बटा बी, ए कट गया बी बी कट गया, कितना आ गया हमारा 1, यानी आर एच एस के बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, सुना रहा है। तो लगा लोगे इस टाइप के कितने जितने भी क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी का मान दिया है फिर मान निकालना है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन तक लगाना है आपको, 16 से लेकर 23 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपका होमवर्क है। ठीक, होमवर्क जो है आपका 16 से है 23 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8A है। ठीक है, यह आपको लगा के ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।